के लिए डालना भी बहुत मुश्किल है। मैं हूँ आपका मेज़बान साइम अली और ये मैं अभी इंटर हो गया हूँ, अंदर दाखिल हो गया हूँ और मैं अभी आप लोगों को सारा प्लेस का विज़िट करवाता हूँ। इधर कश्तियाँ लगी हुई हैं और बच्चों के झूले वगैरह भी लगे हैं। आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ, ये जो बोट उधर खड़ी थी ना, ये लोग इस तरह चलाते हैं। इधर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा आगे आ जाएँ तो आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये बोट चला रहे हैं, दो बंदे बैठते हैं इसमें और बंदे की जो हालत होती है ना, जब बहुत तशवीशनाक हो जाती है जब इंसान उतरता है ना इससे बोट से, तो ये पूरे जो लेग्स हैं ना बहुत दर्द करते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है, पानी में चलाते रहो तो बंदा बांदर बन जाता है। तो इस वजह से मैं तो ज़्यादा बैठता ही नहीं हूँ। एक बार आधी बार बैठा होगा बचपन में, लेकिन उसके बाद मैं कभी भी नहीं बैठा इधर। ये आप देख रहे हैं और वो भी लड़के उधर पिक्चर वगैरह खींच रहे हैं, फोटो शूट कर रहे हैं। चले आए आप लोगों को झूलों का विज़िट करवाता हूँ। ये सारे झूले लगे हुए हैं और वो आगे भी कश्तियाँ वगैरह हैं, बोट वगैरह, तो आप लोग भी साथ रहिएगा मेरे। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सारा विज़िट करवाता हूँ। बहुत अच्छा पार्क है जल्लो पार्क, मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया, बहुत प्यारा बना हुआ है। ये गुलशन पार्क से बड़ा है, लेकिन इसमें इतना रश नहीं होता क्योंकि सब ये जो लोग हैं इधर काम वाले लोग हैं, तजारत अपना काम वगैरह करते हैं, हर वक्त बिज़ी रहते हैं। तो ये देखें आप, बच्चे इधर कश्तियों में झूले ले रहे हैं और वो उधर लोग बैठे हुए हैं, बाइक खड़ी हुई हैं और बहुत प्यारा माहौल है। तो आप लोग इधर प्लीज़ जब भी कभी आइएगा, इधर विज़िट कीजिएगा, ये बहुत अच्छा प्लेस है और बहुत बहुत बड़े ट्रीज हैं। सांस लेने में भी बहुत इंसान को मदद मिलती है ट्री, जब ट्री हों इधर लगे हुए हों तो बड़ा प्यारा माहौल है। सुबह सुबह इधर बहुत ठंडी हवा चलती है। चलें अभी मैं आप लोगों को उधर आगे लेके जाता हूँ कश्ती के पास, इधर से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों के झूले लगे हुए हैं जी इधर थोड़े से, और ये कश्ती है, ये गुलशन पार्क से बहुत छोटी है लेकिन चलेगी, बच्चे इंजॉय करेंगे इधर। और वो आगे भी बना हुआ है, वो बच्चों का झूला झूलने के लिए वो भी चलती है ट्रेन, वो छोटी सी पटरी बनाई हुई इन लोगों ने। तो बहुत प्यारा माहौल है इधर, आप लोग कभी भी इधर आएँ इंजॉय करें, फैमिली इधर ले जाते हैं अपने बच्चों का। ये भी छोटी सी ट्रेन है, तो सब इंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा चलें आप लोगों को भी इंजॉय करवाता हूँ। तो ये देखें सारे लोग इधर इंजॉय कर रहे हैं, आप लोग कभी भी इधर आएँ तो इंजॉय करें, बहुत अच्छा प्लेस है ये सारा। ये जल्लो पार्क इसका नाम है। अब ये कश्ती स्टार्ट हो गई है, देखें पानी चला रहे हैं, दो तीन बंदे हैं इसमें, बहुत मज़ा है। आप लोग कभी भी इधर आएँ तो प्लीज़ इंजॉय कीजिएगा। इधर आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें बाइक्स भी खड़ी हैं और ये जो कारें वगैरह जो बच्चे झूलते हैं बहुत शौक से, वो भी खड़ी हैं, लेकिन इधर कोई चला नहीं रहा तो इस वजह से मैं आप लोगों को वीडियो नहीं बना सकता उसकी। अभी तक रश नहीं इतना पड़ा, रात का टाइम होने वाला है, बस मगरिब होगी है तो बस 15-20 मिनट बाकी है मगरिब में। चले ठीक है, आपको आगे विज़िट कराते हैं, चले चलते हैं। ये जल्लो पार्क की सड़क है, इधर से अभी मैं वापस जाऊंगा इसी रास्ते से। और ये देखें सब ट्रीज लगे हुए हैं, ये बहुत बड़ा पार्क है। और ये गुलशन पार्क से भी मेरे ख्याल में बहुत बड़ा है, गुलशन पार्क इकबाल टाउन वाली साइड पर है, मून मार्केट की तरफ। तो ये बहुत बड़ा पार्क है, आप कभी भी इधर आएँ तो आप विज़िट करें, बहुत आपको अच्छा फील होगा। अपनी बाइक लेके आया हूँ तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। हाँ, अभी मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ जी चिड़ियाघर, जल्लो पार्क का चिड़ियाघर है इधर। तो मैंने कहा चलें अभी मगरब भी होने वाली है, आप लोगों को साथ ले कर जाता हूँ, दिखा के फिर वापस इंशाल्लाह। तो ये चिड़ियाघर है, छोटा सा इनका, लेकिन मैंने देखा कभी नहीं हुआ। आज मैं आप लोगों को भी विज़िट करवाता हूँ, साथ खुद भी देखते हैं, करते हैं इंजॉय। और बहुत बड़ा है यार ये,
चलें आपको दिखाते हैं। लोग इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऐसी ये ना कह दे कि ये वीडियो बना रहा है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में जा रहा हूँ। ये चिड़ियाघर है इधर जल्लो पार्क का, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखने ये देखें जी, ये चिड़ियाघर है जल्लो पार्क का, ये आप लोग देख लें। ये बहुत अच्छा प्लेस है, इधर बहुत बड़ा है आगे तक है, वो देखें आगे भी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये बहुत प्यारा प्लेस है, ये देखें छोटे छोटे जानवर हैं इधर, और ये खड़ा है एक जिसको हिरन बोलते हैं, हिरन शायद, और ये देखें सब लोग इधर इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी कभी इधर आएँ तो प्लीज़ इंजॉय कीजिएगा, ये पार्क है बहुत बड़ा, ये चिड़ियाघर है इनका, ये देखें बहुत प्यारे जानवर हैं इधर। इधर आइसक्रीम वाला भी खड़ा है, वो भी देख रहा है मेरी तरफ, ये देखें बहुत प्यारा माहौल है इधर जल्लो पार्क में। आप आएँ इंशाल्लाह आप बहुत इंजॉय करेंगे। और ये देखें अभी ये लोग इधर को वॉक करते करते बाहर निकल रहे हैं इस साइड पर, ये बाइक वगैरह खड़ी हैं इधर, इधर इन्होंने पार्किंग बनाई हुई है छोटी सी। लो जी, मैंने बहुत इंजॉय किया जल्लो पार्क, अभी मैं वापस जा रहा हूँ घर, मगरिब का टाइम हो गया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे इधर आके, बहुत मैंने इंजॉय किया, और सांस लेने में भी बहुत मुझे अच्छा लगा, इधर हवा बहुत अच्छी है। तो आप लोग प्लीज़ इधर विज़िट कीजिए, बहुत अच्छा पार्क है। बस दुआओं की अपील है कि मेरे लिए दुआ करें कि मेरी टिकट हो जाए। टिकट में अभी बहुत मसला चल रहा है पाकिस्तान में, आप लोगों को पता है दो दो कोरोना टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं, एक इधर करवाना है लोकल कोरोना टेस्ट, और एक एयरपोर्ट पे भी होगा। और ये देखिए जो बना हुआ है, आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए स्विमिंग पूल बना हुआ है, ये अभी तो बंद किया हुआ है कोरोना की वजह से उन्होंने, तो इंशाल्लाह जब खुलेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर चक्कर लगेगा, दोबारा पाकिस्तान इंशाल्लाह आना होगा ना मेरा, तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा।